jungle. जैसा कि हमारी यूपी क्षेत्र न्यूज की टीम नगर पंचायत समदन में पहुंच चुकी है और हम निरंतर जो प्रत्याशी नगर पंचायत समदन से उनसे निरंतर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। इसी को लेकर हम जो एक प्रत्याशी हैं अखलाक भाई उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में उतरने के? सबसे पहली बात तो ये है, मुद्दे तो हमारे उतरने के सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ अभी 2 महीने पहले लाइट की इतनी समस्या खराब थी, केबलें जितनी पड़ी हुई हैं वो जर्जर थी। यहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिश्वत और कमीशन लेके केबलें बिल्कुल खराब डलवाई। ये बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपने आप में प्रत्याशी जी की, मतलब रिश्वत और घूसखोरी के चलते ये जनता है ना, विद्युत विभाग की लापरवाही और घूसखोरी के चलते जनता इस समस्या से जूझ रही है। जी ये केबल विद्युत विभाग ने तो कम डलवाई है, इन्होंने डलवाई थी, इन्होंने पैसा लेके खराब केबलें डलवाई हैं। हमारे यहाँ ये पोजीशन थी, बत्ती के लिए पानी के लिए लोग तरस गए, एक बाल्टी के लिए पानी लेने के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ती थी और लाइट की लाइट आती नहीं थी, केबलें सब खराब थी और उसी के ऊपर गर्मियों में 1 मिनट भी पानी नहीं मिला किसी को, लोग बहुत परेशान रहे। हमारा वादा ये है, हम ये करेंगे अगर हम जीत गए तो नई केबलें पड़ेंगी, एक अच्छी केबलें पड़ेंगी, कोई रिश्वत का नाम नहीं होगा और हम समदन में विद्युत का मामला एकदम सही। लेकिन जनता तो कहती है कि जो आता है और वादे करता जीत जाता है, फिर तो गोल हो जाता है। हाँ वादे इन 3 लोगों ने किए हैं जो अब तक रह चुके चेयरमैन, अब हमें जब आदमी देखेगा तभी तो कहेगा। अब अभी तो हम पहली बार भी नहीं हुए, अब हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जनता का भरपूर साथ हमारे साथ है, जनता हमें वोट देगी और इंशाल्लाह आपकी हम ही जीतेंगे अल्लाह ने चाहा। और मैं ये वादे जो भी कर रहा हूँ वो सब बखूबी निभाएंगे। किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं? हम तो कांग्रेस से मांगे, कांग्रेस से हम पिछली बार भी लड़े, कांग्रेस ने ना टिकट दिया तो क्या? तब भी लड़ेंगे हम, निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय क्या, हम कांग्रेस का बैनर लगा के लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे हर हाल में, चाहे सिंबल दे कांग्रेस या ना दे। बिल्कुल कांग्रेस हमारे जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, अगर वो समय सिंबल देंगे, वो जिसको देंगे हम उसके लिए। अगर बाई चांस कुछ और भी लोग पार्टी कांग्रेस पार्टी से आवेदन किए हैं तो अगर कांग्रेस पार्टी उनको अगर टिकट दे देती तो आप क्या करेंगे? वो उनकी मर्जी है, दे सकती है, लेकिन जो कांग्रेस जीत के और 10 साल सपा में भाग गए वो भगौड़े हैं, भगौड़ों को टिकट नहीं मिलती। जी मैं आपका सारा पूरा समझ रहा हूँ, आप जिधर करना चाहते हैं तो यानी आप तब भी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ने के लिए हम आए ही हैं। अच्छा। और 3 बार हम लड़